केरला को गॉड जोन कंट्री यू ही नहीं बुलाया जाता है। केरल के कोई भी ओर देखो तो सुंदरता ही सुंदरता है। बीचेस, बैकवाटर्स या पहाड़, ये एक स्टेट में सब कुछ है और हर किसी के लिए। आज मैं केरल के कोईकोड या कैलिकट शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक अनोखे हिल स्टेशन में आया हूँ जिसका नाम वायनाड है। वायनाड को एक्सप्लोर तो करेंगे ही करेंगे और इसके साथ में इधर की ऑसम एडवेंचर स्पोर्ट्स की सीन को भी हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं और एक ऐसे अनोखे जगह में स्टे करेंगे जो ब्रिटिश के जमाने में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो भी चाय के एस्टेट के बीचों बीच। तो रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। सो डे वन की शुरुआत हम लोग की हो रही है एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटीज के साथ वायनाड में, ये टी एस्टेट को ओवरलुकिंग। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत ही एक्जिलरेटिंग होती है यहाँ पे वायनाड में। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं जिप लाइनिंग करने के लिए, जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जिप लाइन के बारे में आपको कुछ एक हेड्स अप दे देता हूँ। जिप लाइन में आपको वेट लिमिट रहती है 110 किलो और आपको इसकी चार्जेस पड़ती है 350 रुपीज़, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है एंड वो भी ऐसे टी एस्टेट के आसपास में। इट शुड बी रियली अमेजिंग टू एक्सपीरियंस इट। सो हम लोग अभी क्यू में खड़े हैं। एंड योर नेम इज? माय नेम इज मातिति। एंड शी इज फ्रॉम? Where are you from? I am from Nepal. Yeah, so we are all waiting in the queue now. Oh. Waiting for the zip line to start. Yeah. And we're going to be going pretty soon. How are you excited? Your YouTube. Huh? What is your YouTube channel? It's Traveling Banda. I'll type it out. You okay. Can don't forget to subscribe to the channel. Yeah, I'll subscribe and like it. Oh, now we're going. Oh. वापिस भेज रहे क्या? Amazing. क्या एक्सपीरियंस था, इट वॉज रियली एक्सिलरेटिंग। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मिनट, मिनट एंड हाफ में पूरा सब कुछ हो जाता है एंड टोटली वर्थ इट। यू हाईली रिकमेंड दिस इफ यू आर कमिंग टू वायनाड एंड इट्स ओनली 350 रुपीज़, सो इट्स मोर वैल्यू फॉर मनी देन वॉट यू आर गोइंग टू गेट एनी वेयर एल्स। वेट कम होता है तो यही प्रॉब्लम होता है जिप लाइन में। वो मैडम वहाँ पर बीच में अटक गई है तो यहाँ पर जो जिप लाइन वाला था उसको जाके उसको खींच के अभी लेके आना पड़ रहा है। सो खाना पीना करके आइए, थोड़ा वेट चढ़ा के आइए इधर आते वक्त। तो मडी बूट्स में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे टी के बागान तो दिखेंगे ही। आप काफ़ी यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आगे जा सकते हो, इसका प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे चाय की जो एक्सट्रैक्शन कटिंग होती है वो सब। और थोड़े ही आगे चल के जाओगे आप तो इधर आपको एक माउंटेन का फुल व्यू पॉइंट भी मिल जाता है, जो बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल है। और इस साइड से आपका जिप लाइनिंग होता है। वायनाड की इस एडवेंचरस जर्नी में मेरी नेक्स्ट स्टॉप थी बनासुरा सागर डैम पे। बनासुरा डैम जो है, वैसे तो ये एक बहुत ही बड़ा डैम है और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बट इसके साथ में आपको ढेर सारे एक्टिविटीज भी है इधर करने के लिए, खास करके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जैसे कायाकिंग, स्पीड बोटिंग एंड बहुत सारे और चीजें। तो चलिए अभी जाके इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग कर रहे हो डबल? सो कायाकिंग करने के लिए मैंने टिकट ले लिया है, 250 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस है इधर। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज आपने देख लिया कैसा कैसा है यहाँ पे। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट होता है। सो अभी
देखते हैं कैसा है, बिकॉज लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट. आई वॉन्ट टू डू दिस प्रॉपरली दिस टाइम. सो लाइफ जैकेट पहन लिया है, सीटी टेस्ट कर लिया है और अभी कायक के लिए रुके और जल्दी शुरू होने वाला है. ओ, ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा होना चाहिए. लास्ट टाइम मैं था यही लेक में और मैं गोल 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 घूमते रह गया मेरे भाई के साथ. इसके लिए ये बार सिंगल लिया. लेट्स सी हाउ इट गोज. ऑसम. सो फाइनली कैसे भी करके मेरे कायाकिंग चालू कर दी और पहुंच गया मैं आगे तक. काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस आई हैव टू से. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लास्ट टाइम था. ऑब्वियसली डबल सीट करोगे तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बट दिस टाइम इट्स बीन अमेजिंग. बहुत मज़ा आ गया अभी. लाइक इट्स अ रियली फन एक्सपीरियंस. 250 रुपीज़ के लिए, वो भी इतने ब्यूटिफुल व्यू में, इट्स टोटली वर्थ इट. ए चल चल हट. अच्छा ए वो सो पलटिका पलटिका मेरा टॉप नहीं. ओ ओ नो नो. रिट्रीट 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 रिट्रीट. तो भाई साहब रेस लग रही है अभी इधर सब लोग के साथ. लोग चालू कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं हम लोग. चले देखते कौन पहुंचता है. तो एडकल के जाने की अभी जो है ट्रैक शुरू हो चुकी है. लगभग मैंने सुना है 1 किलोमीटर का ट्रैक है और पता नहीं कितना स्टीप है क्या नहीं है. तो जो भी प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए ले लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही पुराना केव है एंड वर्थ इट है आपको देखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक, लेट्स स्टार्ट गोइंग अप. और आपको रस्ते पे कुछ है तो दिखाता हूँ, फिर एक ही टाइम पे ऊपर मिलता हूँ. इधर आते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा है और स्टीप इंक्लाइन है यहाँ पे. तो अगर आपकी फिटनेस नहीं है या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत लेके आइए. 60 डिग्री की क्लाइंब है, बहुत ऊपर तक जाना है. सो एल्डरली लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा आने के लिए. एडकल केस पहुंचने के लिए आपको लगभग 30 से 40 मिनट ट्रैक करनी पड़ेगी और ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप 4:30 बजे के पहले ही पहुंच जाइए. एडकल केस की खासियत यह है कि ये 6,000 से 8,000 साल पुरानी केव्स है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक आदमी ने किया हुआ आपको स्टोन कार्विंग्स देखने मिलता है. इंडिया में स्पेशली साउथ इंडिया में आपको ये कहाँ पे भी और देखने नहीं मिलेगा. इसके लिए ये एक बहुत ही यूनिक साइट सीइंग है. एडकल केव्स खत्म करते करते हमारी दिन भी खत्म हो गई day 1 और हम लोग गए हमारे हॉस्टल के तरफ. और वहाँ पे इंसिडेंटली हमारे ग्रुप में से किसी का बर्थडे पार्टी भी था. बर्थडे केक काटा हमने और शाम को बहुत सारी पार्टी भी की. और यही एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ रहती है कि जब आप कोई भी हॉस्टल स्टे करते हो या आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या अपने दोस्तों के साथ भी, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और अपने आप में ही लाइफ टाइम वाली मेमोरीज भी बन जाती है. तो चलिए मैं अभी आपको मेरे स्टे के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. मैंने स्टे किया था एट द जोस्टेल वायनाड. और इसकी खासियत जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोली थी कि ये जो प्रॉपर्टी है एक ज़माने में ब्रिटिश का एक हॉस्पिटल हुआ करता था और फिर बाद में ये होम स्टे में कन्वर्ट हो गया और आज जोस्टेल इसे रन करता है. ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी है, इनफैक्ट इतनी बड़ी है कि ये एक चाय के एस्टेट के बीचों बीच है. और यहाँ पे आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेगी जैसे कि स्विमिंग पूल, आपको वर्केशन का स्टेशन मिलेगा, इन हाउस किचन एंड रेस्टोरेंट है आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सर्व करने के लिए, एज वेल एज वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एरिया है जो हमने कल रात को यूज किया फॉर पार्टी. साथ में यहाँ पे आपको प्राइवेट रूम्स भी है एज वेल एज डॉर्म्स भी है. आपको जैसे प्राइजेस चाहिए वैसे आपको उस रेंज में मिल जाएगा. 700-800 से शुरू होते हैं डॉर्म की प्राइजेस एज वेल एज प्राइवेट रूम्स का 2,000 रुपए तक आपको चार्ज किया जाता है.
जब आप जोसेल में वायनाड में आते हैं, देर इज एन ऑप्शन फॉर यू टू डू दिस माउंटेन टेरेन बाइकिंग ऑन दीज बाइक्स. ये सारे के सारे इम्पोर्टेड बाइसिकल्स है और इसका एक ही कैच है कि इसके ब्रेक्स ऑपोजिट साइड पे है, यानी कि अगर आप आगे का दबाने का जो इंडिया में है वो दबाओगे तो पीछे का दब जाता है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल क्योंकि एक्सीडेंट्स काफी होते हैं लोगों के. एंड इसके अलावा ये टूर करने का अराउंड अबाउट 450 या 650 के बीच में जाता है और आपको एक टूर लीड इसको पूरा लीड करता है थ्रू आउट द ट्रेल एंड ही गाइड्स यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस. और ये पीछे का जो हिल है वहां पे आपको लेके जाते हैं. अच्छा था. तो वायनाड में जब आप आएंगे तो आपको एक दो ऐसे आइकॉनिक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको आके मील लंच हो या डिनर हो करना ही चाहिए. तो वैसे ही एक जगह पे मैं आया हूँ जिसका नाम है 1980. ये एक्चुअली 1980s में सेटअप हुआ है और यहाँ पे लोकल जो आपको वायनाड का क्यूजीन, केरला का क्यूजीन बहुत ही अमेजिंग मिलता है. यहाँ की बिरयानी, यहाँ का किसी परोठा एज वेल एज आपको मटन डिशेज अमेजिंग आते हैं. वेज फूड भी सर्व करते हैं यहाँ पे और बहुत ही इकोनॉमिकल है. सो भीड़ तो देखिए, इट्स लाइक इन द मिडल ऑफ द डे, मिडल ऑफ द वीक. आज वेंसडे है और इतना भीड़ है यहाँ पे. जस्ट चेक आउट द क्यू. बाहर हम लोग की पूरी पलटन इधर ही बैठी है भूखे और पता नहीं आधा घंटा बोल रहे हैं तो शायद वी शुड गेट अ सीट क्विकली. प्राइवेट डाइनिंग एक्सपीरियंस. वाह वाह. वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि आप वायनाड पहुँच कैसे सकते हो और उसके साथ में आपको वायनाड में इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या ऑप्शन है. साथ में एक राउंड अबाउट फिगर भी दे देता हूँ कि आप क्या प्राइस रेंज में होटल रूम्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उधर. तो ये था सारा वीडियो गाइस पूरा वायनाड की जर्नी का. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर ऑन व्हाट्सएप विद योर फ्रेंड्स गाइस. और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों रुके हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज, बहुत मदद हो जाती है. तभी तक मिलते हैं अगले जर्नी में. स्टे सेफ. ट्रैवलिंग बंदा आउट.